हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एनीवन कैन कुक विद डॉक्टर अलीशा। आज मैं आपके साथ एक हेल्दी शुगर फ्री लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ बनाया है। तो इन ड्राई फ्रूट लड्डू को बनाने के लिए हमें चाहिए बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, किशमिश और खजूर। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम नट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 100 ग्राम बादाम, साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम काजू और 50 ग्राम अखरोट। हम यहाँ इन्हें ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो हल्के घी के साथ भी इन्हें रोस्ट कर सकते हैं। रोस्टिंग के टाइम आप थोड़ा ध्यान रखें कि आप इसे बीच बीच में चलाते रहें, ताकि ये सारे सर्फेसिस से इवनली रोस्ट हो सके। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं। दे आर रिच इन फाइबर, प्रोटीन एंड गुड फैट्स। इनमें एंटी कैंसर और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं। तो आप इन ड्राई फ्रूट्स को किसी भी फॉर्म में ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें थोड़े ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इन रोस्टेड नट्स को एक ग्राइंडर में डालेंगे। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम पिस्ता। इन नट्स की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम किशमिश और 200 ग्राम खजूर। खजूर के बीज को हमने पहले ही निकाल दिया था। खजूर और किशमिश इसे बाइंड करने में हेल्प करेगी और साथ ही में इसे नेचुरल स्वीटनेस देगी। अब हम इन सब ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करेंगे और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। लड्डू बनाते टाइम अगर आपको लगे कि ये आपके हाथों पर चिपक रहा है, तो आप थोड़े ऑयल से अपने हाथों को ग्रीस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे हेल्दी शुगर फ्री लड्डू तैयार हो चुके हैं। आप इन लड्डू को चाहें तो प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाएं अपने घर पर और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।